अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 5 की जनरल साइंस का पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हयातियात या अजसाम की दर्जा बंदी। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अवर अर्थ। हमारी ज़मीन पर मुतअद्दिद किस्म के हयातियात या अजसाम पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर। ये जानदार एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। However, some have few similar characteristics. ताहम इन में कुछ खसूसियात मुश्तरिक होती हैं। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 1.1 है, जिसको आपने दी गई हिदायत के मुताबिक करवाना है। You placed the organisms of similar characteristics in one group. आपने एक जैसी खसूसियात वाली चीज़ों को एक ग्रुप में रखा है। For example, मिसाल के तौर पर You made a group of flowering plants with mango, guava, rose and sunflower. मिसाल के तौर पर आपने आम, अमरूद, गुलाब और सूरजमुखी के साथ फूलों वाला ग्रुप बनाया। यू मेड अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। और आपने जानवरों की ममासल खसूसियात के बिना पर दूसरा ग्रुप बनाया। फॉर एग्जांपल, फाउल, पिजन, डव एंड स्पैरो एज ऑल ऑफ देम हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स। मिसाल के तौर पर मुर्गी, कबूतर, फाख्ता और चिड़िया वगैरह एक जैसी खसूसियात वाले जानदार हैं। You have separated the organisms on the basis of similarities and differences. आपने ममासलत और इख्तलाफात की बुनियाद पर अजसाम को अलग अलग किया। Thus you have classified the organisms. इस तरह आपने हयातियात या अजसाम की दर्जा बंदी की है। To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification of organisms. ममासलत और इख्तलाफात की बुनियाद पर हयातियात को अलग अलग ग्रोहों में रखना हयातियात की दर्जा बंदी कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी की अहमियत। ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। दर्जाबंदी की वजह से हम हयातियात में ममासलत और फ़र्क का तयन कर सकते हैं। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी दैम। हयातियात की साख्त और दीगर खसूसियात की वजह से हम उनकी शनाख्त और मुताला कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। हम हयातियात के दरमियान ताल्लुकात को भी जान सकते हैं। 5 kingdom system, 5 रियासती निज़ाम। The organisms have been divided into 5 kingdoms based on similarities and differences. हयातियात को ममासलत और इख्तलाफात की बुनियाद पर 5 रियासतों में तकसीम किया गया है। Their names are मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। आगे सफ़ा नंबर 7 पे जाएंगे। दीज आर मेड ऑफ वन सेल। ये एक खुलिए से बने होते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज़ आल्सो वेरी सिंपल। इनकी बनावट भी बहुत सादा होती है। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम। इनमें एक बैक्टीरिया शामिल है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अदर्स ऑब्टेन फूड फ्राम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज़। दूसरे जानदार और बेजान हयातियात के जिस्मों से खुराक हासिल करते हैं। सम बैक्टीरिया काज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया पौधों और जानवरों में बीमारियों की वजह बनते हैं। प्रोटिस्टा, यूजुअली दे लीव इन वाटर। अमूमन ये पानी में रहते हैं। इट इंक्लूड्स एमोबा, पैरामीशियम एंड एलजी। ये एमोबा, पैरामीशियम और एलजी पर मुश्तमिल होते हैं। स्पायरोजेरा, एमोबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ वन सेल। स्पायरोजेरा, एमोबा और पैरामीशियम एक खुलिए से बने होते हैं। एलजी मे कंसिस्ट ऑफ वन सेल आर मैनी सेल्स। एलजी एक खुलिए या बहुत से खुलियात पर मुश्तमिल हो सकता है। दीज आर फाउंड इन रिवर्स, पोन्ड्स एंड ओशन। ये दरियाओं, तालाबों और समंद्रों में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है। फंजाई, सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल। कुछ फंजाई एक खुलिए से बने होते हैं। मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल एंड आर लाइक फिलामेंट। बहुत से फंगस एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं और रेशे या धागे की तरह होते हैं। दे नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ। इन्हें नशोनुमा के लिए नमी की ज़रूरत होती है। दे डू नाट हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नाट मेक देयर ओन फूड। इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्राम द प्लेस वेयर दे लीव। ये वहाँ से खुराक जज्ब करते हैं जहाँ वो रहते हैं। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अमीर खुर्दबीनी फंजाई है। राइजोबस इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड।
राइजोपस को ब्लैक रोटी सड़ना भी कहते हैं। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, ये नम रोटी और फलों पर उगता है। दी मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक, खुम्बियाँ छतरी की तरह होती हैं। दे ग्रो ऑन दी पाइल्स ऑफ रोटन मैटर, ये वो सीधा मादे के अंबार पर उगते हैं। सम फंजाई आर वेरी लार्ज, ई जी मशरूम, कुछ फंगस बहुत बड़े होते हैं जैसे कि खुम्बियाँ वगैरह। पेज नंबर 4 प्लांटियर, द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम हैव एबिलिटी टू मेक देयर फूड बाई यूजिंग दी एनर्जी ऑफ द सन एज दे हैव क्लोरोफिल। इस रियासती हयातियात की सलाहियत ये है कि वो अल्लाह की दी हुई तवानाई को इस्तेमाल करके अपना खाना बना सकें, सूरज जैसा कि इसमें क्लोरोफिल है। दी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन दिस आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, इसमें शामिल हयातियात आमतौर पर सब्ज रंग के होते हैं। एनिमलिया, दी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन दिस किंगडम आर कॉल्ड एनिमल्स, इस रियासत में शामिल हयातियात को जानवर कहते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्लोरोफिल नहीं होता और ना वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे कैन मूव यूजुअली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अमूमन एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। पेज नंबर 5 पर क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें पहले एक्टिविटी है 1.2 और उसके बाद है मोनोकॉट प्लांट्स। द फ्लावरिंग प्लांट्स हूज सीड्स हैव वन कॉटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट्स, वो फूलदार पौधे जिनके बीज में एक कॉटिलीडन होता है यकदालिया पौधे कहलाते हैं। शुगर केन, वीट, राइस, बैम्बो, मेज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, ये सारी इसकी मिसालें हैं। डाईकॉट प्लांट्स, द फ्लावरिंग प्लांट्स हूज सीड्स हैव टू कॉटिलीडन आर कॉल्ड डाईकॉट प्लांट्स, वो फूलदार पौधे जिनके बीजों में दो कॉटिलीडन होते हैं दो दालिया पौधे कहलाते हैं। मैंगो, गुआवा, रोज, पी, ATC आर द एग्जांपल्स ऑफ डाईकॉट प्लांट्स, ये फिर डाईकॉट प्लांट्स की मिसालें हैं। पेज नंबर 6 पर एक्टिविटी 1.3 है जो आपने करवानी है बच्चों से। पेज नंबर 7 पर फिर एक्टिविटी है 1.4 और उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दर्जाबंदी और खसूसियात। We have already studied in grade 4 that animals have been divided into two main groups, i.e. the vertebrates and invertebrates. हम चहारा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जानवरों के दो बड़े ग्रुप फकारिया और गैर फकारिया हैं। Activity 1.5 के बाद हमने पढ़ना है All vertebrates have an internal skeleton made of bones. तमाम फकारिया में हड्डियों से बना अंदरूनी ढांचा होता है। Their body is divided into three main parts, head, एब्डोमेन एंड टेल, इनका जिस्म तीन हिस्सों में तकसीम होता है, सर, पेट और दुम। द ब्रेन इज प्रेजेंट विद इन द स्कल, दिमाग खोपड़ी के अंदर होता है। दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट एंड फील, इनमें सुनने, देखने, सूंघने, जायका और महसूस करने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद होती है। द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी, कि खून के शरियानों में खून गर्दिश करता है। The skin of vertebrates is covered with scales or feathers or hairs. Invertebrates की जिल्द छिलकों, परों या बालों से ढकी होती है। Various types of invertebrates are found on earth. ज़मीन पर कई किस्म के गैर फकारिये पाए जाते हैं। They do not have any type of bone inside the body. उनके जिस्म में किसी किस्म की हड्डी नहीं होती। The body structure of invertebrates is of various types. इनवर्टिब्रेट्स की जिस्मानी साख मुख्तलिफ अकसाम की होती है। सम आर फ्लैट, सम आर राउंड एंड सम आर सेगमेंटेड, कुछ चिपटे, कुछ गोल और कुछ मुनकसिम होते हैं। दी बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट्स के जिस्म के हिस्से मुख्तलिफ ग्रोहों में मुख्तलिफ होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, फकारियों की दर्जाबंदी। वर्टिब्रेट्स हैव बीन डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, i.e. फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, मछलियाँ, जलथलिए, खजिंदे, परिंदे और ममालिया। फिश, फिश लीव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड, इसके जिस्म के दोनों सिरे नोकदार होते हैं। द मिडल पार्ट इज ब्रॉड एंड थिक, i.e. द बॉडी इज बोट शेप्ड, दरमियानी हिस्सा चौड़ा और मोटा होता है जैसे कश्ती की शक्ल होती है। दिस बॉडी शेप इज मोस्ट सूटेबल टू स्विम, ये साख तैरने के लिए बहुत मौजू है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, इसकी जिल्द छिलकेदार होती है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, मछली गलफड़ों के जरिए सांस लेती है। फिश हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प टू स्विम,
मछली अपनी कलियों या छोटे परों और दुम के जरिए तैरती है। रिप्रोडक्शन इन फिश टेक्स प्लेस थ्रू एग्ज। मछली में अम्ल तौलीद अंडों के जरिए होता है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। उनके जिस्मानी दर्जा हरारत का इन्हिसार इर्द गिर्द के दर्जा हरारत पर होता है। एम्फीबियंस जलथलिए। एम्फीबियंस कैन लीव ऑन लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर। जलथलिए पानी और खुश्की दोनों पर रह सकते हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। वो फेफड़ों और जिल्द के जरिए सांस लेते हैं। यूजुअली देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज। उमन इनकी जिल्द नमी वाली और ढीली होती है। दे लीव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। ये खुश्की पर रहते हैं लेकिन पानी में अंडे देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इनके जिस्म का दर्जा हरारत उनके इर्द गिर्द के दर्जा हरारत पर इन्हिसार रख करता है। देयर डिवेलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर। इनकी तरक्की पानी में होती है। फ्रॉग टोड सैलामेंडर न्यूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। ये इसकी मिसालें हैं। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। रेप्टाइल्स को रेंगने वाले जानवर कहा जाता है। देयर स्किन इज थिक कोर्स एंड ड्राई विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। इनकी जिल्द मोटी भद्दी और खुश्क होती है जो उनके जिस्म को बैरूनी तासरात से बचाती है। दीज एनिमल्स ले एग्स ऑन लैंड। ये जानवर खुश्की पर अंडे देते हैं। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू एग्स। इन जानवरों में अम्ले तोलीद अंडों के जरिए होता है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। उनका जिस्मानी दर्जा हरारत इर्द गिर्द के दर्जा हरारत पर इन्हिसार करता है। लिजर्ड क्रोकोडाइल स्नेक टर्टाइज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। बर्ड्स परिंदे। द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक। परिंदों के पर और चोंच होती है। देयर बोन्स आर हालो। इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं। दस देयर वेट इज लेस। इसीलिए इनका वजन कम होता है। एलॉन्ग विद लंग्स दे हैव एयर सैक्स। इनके फेफड़ों के साथ हवा की थैलियाँ होती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर। परिंदे हवा में उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर ईजी डक। कुछ परिंदे पानी में भी तैर सकते हैं मसलन बत्तख वगैरह। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। कुछ परिंदे उड़ नहीं सकते और इसलिए वो दौड़ने वाले परिंदे कहलाते हैं मसलन कीवी शुतुरमुर्ग वगैरह। ऑल बर्ड्स ले एग्स। तमाम परिंदे अंडे देते हैं। द बर्ड्स दैट लीव इन वाटर हैव वेब फीट। पानी में रहने वाले परिंदों के पांव जुड़े होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनके जिस्म का दर्जा हरारत बैरूनी माहौल पर इन्हिसार नहीं करता। चिड़िया कबूतर कीवी मुर्ग फाख्ता वगैरह वगैरह इसकी मिसालें हैं। पेज नंबर 10 पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को बतानी है। पेज नंबर 11 मैमल्स। दीज एनिमल्स गिव मिल्क। ये जानवर दूध देते हैं। दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी। जिस्म पर झालर या बाल होते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क। ये बच्चों को जन्म देते हैं और उनको अपना दूध पिलाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मालिया जानवरों के जिस्म का दर्जा हरारत उनके बैरूनी दर्जा हरारत पर इन्हिसार नहीं करता। घोड़ा गाय बकरी टाइगर वगैरह वगैरह इसकी मिसालें हैं। पेज नंबर 12 एक्टिविटी है और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। गैर फकारिया की दर्जा बंदी। द मेजर ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर स्पॉन्जेस वर्म्स इंसेक्ट्स मोलस्क्स एंड इकाइनोडर्म्स। स्पॉन्जेस दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन ओशन। ये आबी जानवर हैं और ज़्यादातर समंदरों में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स। इनके बहुत से रंग होते हैं। दे यूजुअली रिमेन अटैच टू द स्टोन्स। वो अमूमन पत्थरों से मुंसलिक होते हैं। द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली एंड कैनाल्स इंटरनली। इनका जिस्म बैरूनी छेदों और अंदरूनी नालियों से भरा होता है। वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स। पानी इन मसामों या छेदों के जरिए अंदर दाखिल होता है एंड एग्जिट थ्रू अ लार्ज पोर और एक बड़े मसाम या छेद के जरिए बाहर निकल आता है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स दे कैन फॉर्म इट अगेन। अगर कोई हिस्सा टूट जाए तो ये इसे दोबारा तश्कील दे सकते हैं। वॉर्म्स। वॉर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। कीड़े नरम जिस्म वाले जानवर हैं। देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल। जिस्म गोल और इस्तवानी होता है। दे हैव नो लेग्स। इनकी टांगे नहीं होती। द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर सेगमेंटेड। कुछ कीड़ों का जिस्म अलग अलग होता है जैसे अर्थ वाम या टैप वाम वगैरह का। ऑफ सम वाम्स आर नॉट सेगमेंटेड फ्लैट वाम एंड राउंड वाम। कीड़ों का जिस्म अलग अलग नहीं होता जैसे फ्लैट वाम या राउंड वाम वगैरह का। सफ़र नंबर 12 इंसेक्ट्स। द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। ये वो इनवर्टिब्रेट हैं जो टांगों के साथ जुड़े होते हैं। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड।
इनका जिस्म अलग अलग होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इनका जिस्म 3 हिस्सों में तकसीम होता है, सर, छाती और पेट। द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 पेयर्स। टांगों की तादाद 6 या 3 के जोड़े होते हैं। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज हार्ड, विच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जिस्म की ऊपरी सतह सख्त होती है, जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी। एक्सोस्केलेटन जिस्म की हिफाजत और हिमायत करती है। मोलस्क्स, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये नरम जिस्म वाले जानवर होते हैं। दे लिव इन पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन एंड ऑन लैंड। तालाब, झीलों, दरियाओं, समंदरों और खुश्की पर रहते हैं। दे मूव फ्रीली आर रिमेन अटैच टू एनीथिंग। ये आज़ादी से हरकत करते हैं और किसी भी चीज़ के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। द बॉडी ऑफ मोलस्क्स इज कवर्ड विद शेल। ये नरम जिस्म वाले जानवर किसी खोल में छुपे होते हैं, जैसे घोंघा वगैरह। सम आर विदाउट शेल, लेकिन कुछ शेल के बगैर भी होते हैं, जैसे ऑक्टोपस वगैरह। इकाइनोडर्म्स, दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन द ओशन। ये वो जानवर हैं जो सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। डू नॉट हैव एनी हेड, इनका कोई सर नहीं होता। द एनिमल्स मे बी डिस्क आर स्टार शेप्ड। ये जानवर गोल, चिपटे या सितारे की शक्ल में भी हो सकते हैं। द बॉडी हैज़ अ स्पिनी कवरिंग, इनकी ऊपरी जिल्द पुरपेच होती है। बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनु। एज वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एक जगह पर मौजूद जानदार चीज़ों की मखसूस तादाद को हयातियाती तनु कहा जाता है। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट, e.g. डायनासोर। जानवरों और पौधों की वो अकसाम जो अब दुनिया में नहीं पाई जाती, उनको नापीद या मऊदम कहा जाता है, जैसे डायनासोर वगैरह। मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स, सच एज बंगाल टाइगर, पांडा, etc. ऐसे हयातियात जिनके बनने के इम्कान बहुत कम हैं, मुस्तकबिल करीब में नापेद होने के ख़तरे से दो चार हैं, जैसे बंगाल टाइगर और पांडा वगैरह। देर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान, e.g. स्नो लेपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन, मारखोर, etc. पाकिस्तान में बहुत से ख़तरे से दो चार जानवर हैं जिनके नाम ये लिखे हैं। एक्टिविटी नंबर 1.7 करवानी है, फिर पेज नंबर 15। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। द फॉरेस्ट्स आर बींग कट फॉर कल्टिवेशन एंड अर्बनाइजेशन एक्सटेंशन ऑफ सिटीज, विच हैज डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। काश्तकारी और शहरों की तोसी के लिए बेदरेख जंगलात काटे जा रहे हैं, जिसने जानवरों की रिहाइशगाह को तबाह कर दिया। सेकेंडली, ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग हैज़ मेड एनिमल्स इंडेंजर्ड। हम ये कि इंसानी अमल कसीर शिकारी की वजह से जानवरों की ज़िंदगी ख़तरे से दो चार हो गई है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हयाती तनु का तहफ़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैज़ बीन रेगुलराइज्ड। ख़तरे से दो चार जानवरों की हयातियाती तनु की तहफ़ के कायदे को बाकायदा बनाया गया है। टू सेव द हैबिटेट्स, द नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। रिहायशगाहों में खेल के ज़खायर की तादाद बढ़ा दी गई है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट। पूरी दुनिया में अवामी पार्क बनाए गए हैं, जहाँ ख़तरे से दो चार जानवरों को रखा जाता है। ये ग्रेड 5 के जनरल साइंस के पहले लेसन की रीडिंग और ट्रांसलेशन थी। इस लेसन की एक्सरसाइज देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।